Good morning, students. I hope you all are well. As we know, we are discussing the chapter number 5 और उसमें हमने various gases law को discuss किया है. Last में हमने discuss किया था last class पे what is the ideal gas equation that is PV equal to nRT को. तो basically जो हम PV equal to nRT जो हमने बोला कि that is the ideal gas equation, अब उसी को rearrange करके हम आज बात करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी एंड द मोलर मास ऑफ द गैस. कि डेंसिटी और मोलर मास मेरे पास है तो मैं उनमें से कैसे कैलकुलेशंस कर सकती हूँ. तो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. तो जब मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ तो मैंने क्या किया, V को तो मैं इधर ले गई और RT को मैं इधर आई, तो मेरे पास क्या हो गया, PV इज इक्वल टू n बाय V. Or I can say n by V equal to P upon RT. Now, we know that what is n here? N is a mole of the gas. And what is the mole? Given mass upon molecular mass. So, if the L is rewrite for me, so kis tarah se rakh sakte hai ki mole barabar kya hai hamare paas? Given mass upon molecular mass. Jahan par maine given mass ko represent kiya hai kisse small m se. Aur capital M is a molecular mass. So, is n ki jagah humne put kar diya n by V. ओके, इस पूरे की जगह n की जगह हमने पुट कर दिया n अपॉन m v इक्वल टू p r t. नाउ व्हाट इज डेंसिटी, वी नो दैट डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी दिस इज d अपॉन m इज इक्वल टू p r t. व्हेन वी रीअरेंज तो m इज इक्वल टू d r t अपॉन p, वेयर m इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, d इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, R is obviously gas constant, T temperature and P pressure. So this is the simple one, the relationship of the density of the gases and the molecular mass of the gases. So we easily nikal sakte hain by the ideal gas equation. Now what happened? There is a one scientist that is Dalton. बहुत सारे हमने बात करी, Dalton atomic theory भी पढ़ी है, बहुत सारी theories हमने पढ़ी हैं. तो डॉल्टन ने क्या बोला था, डॉल्टन सेड कि जब किसी भी वेसल के अंदर या किसी कंटेनर में बहुत सारे गैसेस भरी हुई है तो उस गैस पर या उसका जो टोटल कंटेनर का यदि मैं प्रेशर कैलकुलेट करूं तो प्रेशर क्या होगा, जितने भी उसमें गैसेस हैं उन गैसेस के पार्शियल पे, मतलब सीधी सी बात है कि हर गैस का अपना प्रेशर होगा, तो उस इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हमने बोल दिया पार्शियल प्रेशर. और तो डॉल्टन ने बोला कि टोटल प्रेशर जो है वो हर एक गैस के प्रेशर पे क्या होगा, बराबर होगा. और इस लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर थ्री टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर, लेट्स गैस ए बी एंड सी गैस आर जो है वो है, और ये गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए यानी कि आपस में रिएक्शन नहीं कर रही होनी चाहिए. तो ए का क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, मान लो हमारे पास मान लिया ए का प्रेशर पी ए, बी इंडिविजुअल का प्रेशर है पी बी, सी जो गैस है इसका प्रेशर हो गया पी सी. तो डॉल्टन ने बोला कि इस कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर लगेगा पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और इन पी ए पी बी और पी सी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर. पार्शियल मतलब भैया इंडिविजुअल है तो अपना कुछ इसमें कुछ क्या हुआ, पार्शियल मतलब कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पार्शियल प्रेशर बोला. तो सिंपल उन्होंने बोला हमारे पास कि द टोटल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ सब इम्पोर्टेंट नॉन रिएक्टिव गैसेस, कौन सी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया. तो लेट्स टेक कि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं या क्या रिलेशनशिप और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन से रिएक्शन हम ले सकते हैं. तो लेट्स मैंने अज्यूम करा कि मेरे पास एक वी वॉल्यूम का एक वेसल है, ठीक है, जिसको मैंने टेम्परेचर टी पर क्या करा है, फिक्स किया है, जिसमें तीन गैसेस भरी हुई, लेट गैस नंबर 1, 2 एंड 3, गैस थ्री गैसेज आर फिल्ड. ओके, तो ऑब्वियसली हर गैस का अपना प्रेशर होगा, ठीक है. तो लेट्स सी कि पी वन की जो मेरा पी फर्स्ट गैस है उसका जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा, हमें मालूम है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो मैं लिख सकती हूँ पी वन इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी.
इसके मोल्स अलग होंगे एन वन मोल्स है। तो लैट मेरे पास एक वॉल्यूम है जिसके अंदर अलग अलग तीन अलग अलग गैसेज है जिनका रिस्पेक्टिवली पार्शियल प्रेशर पी वन पी टू एंड पी थ्री है और इनका जो मोल वन है मोल्स है एन वन एन टू और एन थ्री है। तो मैं सीधी सी एक फर्स्ट गैस का यदि मुझे प्रेशर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी पी वन इक्वल टू एन वन आर वन टी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम पी टू गैस का मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी एन टू आर टी अपॉन बी और पी थ्री गैस का मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी एन थ्री आर टी और बी। तो ये मेरे इंडिविजुअल क्या हो गए प्रेशर हो गए हर एक गैस के। अब मुझे यदि इनका टोटल निकालना है तो डॉल्टन ने क्या बोला है डॉल्टन को क्या बोला है डॉल्टन ने बोला है कि भाई जो टोटल प्रेशर है वो पीवन मतलब जितनी भी गैसेज है उनके टोटल सबके बराबर होगा। तो मैं यहाँ यदि टोटल प्रेशर निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा पी टी बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री और हमें मालूम है पी वन पी टू और पी थ्री किसके बराबर है तो हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया एन वन आर टी अपॉन बी प्लस एन टू आर टी अपॉन बी प्लस एन थ्री आर टी अपॉन बी। हमने इनमें से क्या करा आर टी बी को कॉमन ले लिया। तो जब मैंने आर टी बी को कॉमन ले लिया सब में आर टी कॉमन है तो आर टी बी को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ठीक है या एन वन एन टू एन थ्री क्या है टोटल जितने भी मोल्स हैं गैस वन के टू के और थ्री के। नाउ व्हाट आई डिड मैंने ये मेरी मान लो इक्वेशन नंबर होगी फोर्थ। इस पी टोटल को जो है वो मैं क्या कर रही हूँ डिवाइड करती हूँ। पी टोटल जो है उसको मैंने क्या किया किसी भी हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं लाइक मैंने इसको डिवाइड किया किस से मैंने इसको डिवाइड किया है आपका दिस पी टी इज डिवाइडिंग बाय द पी वन प्रेशर पी वन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है तो बाय डिवाइडिंग पी वन ठीक है पी टी को मैंने किससे डिवाइड कर दिया टोटल प्रेशर को मैंने पी वन से या पी वन जो है बाय डिवाइडिंग द पी वन बाय पी टी मैंने पी वन को मैंने क्या किया पी टी से डिवाइड कर दिया। तो हमारे को मालूम है पी वन क्या है पी वन हमारे पास है दिस वन तो मैंने क्या लिखा पी वन अपॉन पी टी क्योंकि मैंने पी वन को किससे डिवाइड किया पी टी से डिवाइड किया इक्वल टू पी वन कितना है मेरे पास एन वन आर टी अपॉन बी और पी टू जो मेरा टोटल है वो क्या है एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री अपॉन आर टी अपॉन बी आर टी बी से आर टी बी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन क्या आया दैट इज एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड वॉट इज दिस दिस होल यदि मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है ये है मोल ऑफ द वन गैस अपॉन टोटल मोल यानी कि पूरे टोटल मोल में यदि मेरे पास गैस है उनमें से एन वन कितना है यानी कि मेरे पास क्या दे रखा है ये मेरे पास बन गया है मोल फ्रैक्शन जो हम पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन द इट इज अ सिंपल द रेशियो ऑफ टोटल द गिवन मोल जिस भी गैस का हम मोल निकाल रहे हैं वो मोल अपॉन टोटल मोल की सीधा सा मोल फ्रैक्शन हमें बताता है कि यदि हमारे पास बहुत सारी गैसेज है तो टोटल में से उसका कितना फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने यही तो किया है कि पी वन जो है उसका एन वन मोल एन वन कितना फ्रैक्शन है टोटल मोल का तो ये मान लो इसका मोल फ्रैक्शन निकल गया गैस वन का इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं एस एक्स वन से। तो मैं क्या लिख सकती हूँ पी वन इक्वल टू इस पूरे को लिख सकती हूँ एक्स वन अपॉन पी टी पी टोटल। ठीक है तो जब मैंने इसको टोटल लिखा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया हमारे पास मैं इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकती हूँ पी वन इक्वल टू एक्स वन अपॉन इन टू पी टी यानी कि पार्शियल प्रेशर मेरे पास निकल के आया पार्शियल प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर इन टू मोल फ्रैक्शन से क्या है यानी कि मेरे पास जो टोटल प्रेशर यदि किसी इंडिविजुअल गैस का मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मैं उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर जो है उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास उस गैस का क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो दैट इज डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर थ्योरी जिन्होंने पूरा ये चीज एक्सप्लेन किया और हमारे को एक रिलेशनशिप दिया कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल मोल फ्रैक्शन। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूमेरिकल की तरह इजिली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड वॉट इज दैट सो वॉट वी हैव लर्न दैट द टोटल प्रेशर यदि हमारे पास है किसी गैस का और हमारे को अलग अलग प्रेशर
फ्रेक्शन दे रखे हैं P1, P2 एंड P3, तो हम किसी भी गैस का यदि मोल फ्रैक्शन मुझे या किसी भी गैस का प्रेशर निकालना, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, जिस भी गैस का क्या है हमें फ्रैक्शन निकालना है, जिस भी गैस का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, इनटू पी टोटल. दिस इज ऑल अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम आगे की प्रोसीजर, आगे की टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू.